हाय एवरीवन, आज हम लोग जल्दी जल्दी से क्विक से ज़रार का ट्रेलर रिएक्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं उसमें क्या है। ज़रार इज़ एन अपकमिंग पाकिस्तानी एक्शन थ्रिलर मूवी जिसमें शान है, शान ने ही लिखी है, शान ने ही डायरेक्ट की है और शान ने ख़ुद को कास्ट कर लिया। इट्स अमेजिंग, क्रेजी, आयरोनिक। खुद को लिखो, खुद ही डायरेक्ट करो, खुद ही अपने आप को ले लो मूवी में, अमेजिंग। तो हम उसको देखने वाले हैं। उससे पहले मैं तुमको थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं। आई एम नॉट अ नेशनलिस्ट, आई डोंट बिलीव इन नेशनलिज्म, आई डोंट सपोर्ट वॉर्स। अगर इसमें इस तरह की कोई चक्कर है इंडिया विंडिया का या कुछ कंट्री का, या आपके अंदर वॉयलेंस एमर्ज करने वाला है, आपको इन्फ्लुएंस करने वाला है उस तरह में, तो आई डोंट सपोर्ट इट। हम लोग देखेंगे, पाकिस्तानी मूवी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेट्स डू इट। Or yeah, I'm excited. Pakistanis have a nuclear capability, and it is a very real one. Deliver Pakistan with a title of failed state, and your job is done. It looks huge. It looks big. It is a commercial movie जिसका बहुत बड़ा बजट है, बहुत ज़्यादा पैसा लगा है उस पर, बहुत ही अच्छा कैमरा वर्क लग रहा है, बहुत ही न्यू एज मूवी लग रही है जिसपे हैवी किस्म की मेहनत हुई है, हैवी किस्म का कैमराज यूज़ हुए हुए हैं, एडिटिंग हुई हुई है। इट लुक्स गुड, इट लुक्स बिग, इफ़ यू नो वट आई मीन, इट इज़ बिग मूवी। किसी आसपास के मुल्क में तो बड़ी टॉप थ्री मोस्ट वांटेड इन द यूएस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आर ऑल इन पाकिस्तान। We economic hitmen are the first line of defense when we go in and we try to corrupt governments. We use the state and the non-state actors to achieve the country's strategic or political objective. Hame jihad Kashmir se kya? Hame jihad Pakistan se shuru karna hai. Cheers to the dark future of Pakistan. Acha, iska concept एकदम से समझ नहीं आ रहा है, इट इज़ ब्लरी, बहुत कंफ्यूजिंग है ट्रेलर। उसमें मोदी जी दिखाए गए हैं, उसमें 9/11 का थोड़ा सा टच दिया गया है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ बातचीत हो रही है, उसके साथ में ये भी लिखा हुआ है इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। आई डोंट नो कौन से ट्रू इवेंट्स, अगर इंडिया के खिलाफ है, डोंट नो दिस, जो हो गया हो गया, आप लोगों ने किया है, हमने नहीं किया है, चलो कंप्लीट करते हैं। बट इट इज़ अबाउट वॉर। ज़रार बेसिकली मेन कैरेक्टर का नाम है, शान का नाम ज़रार है। तो या कहते हैं अगर अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। जंगटू, हम ये जंग जीत के रहेगा। Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. कहते हैं अगर अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। उसके साथ साथ एक डायलॉग ये भी है कि हमको कश्मीर से क्या लेना है, हम जिहाद पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। कहीं ना कहीं अगर मैं दिमाग यूज़ करूँ तो इट्स गोना बी अबाउट फंडेड अफगान्स और कुछ ग्रुप होगा जो बाहर से फंड ले रहा होगा और अपने ही टेररिस्ट हैं, अपने कंट्री में टेररिस्ट। आई होप सो कि यही कॉन्सेप्ट हो कि हम लोग अपने ही टेररिस्ट से लड़ रहे हैं जो हमारे अपने कंट्री में ही बैठे हुए हैं। तो ग्रेट, मैं तब तुमसे खुश होंगी और मैं कहूँगी कि बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया। अगर ये नहीं है, आई डोंट नो। पाकिस्तान इज अ थ्रेट एंड वी हैव द राइट टू फिनिश व्हाट वी कांट कंट्रोल। Nuclear material could fall into the wrong hand. The U.S. should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best Pakistan has to offer. मेन कैरेक्टर का नाम, शान का नाम ज़रार है और ज़रार ISI के एक ख़ास यूनिट के मेंबर होते हैं और उनको ये टास्क दिया जाता है कि आपने अपने कंट्री को एक्सट्रीमिज़म से बचाना है, वायलेंस से बचाना है, टेररिस्ट से बचाना है। और मोस्ट प्रॉबली बाहर का कुछ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, बाहर के लोग भी कुछ दुश्मन हैं और कंट्री के अंदर से भी कुछ हो रहा है और डेफिनेटली वो नहीं पता लग रहा ट्रेलर को देख के। बट इट लुक्स लाइक क्रेज़ी
ISI मेंबर शान बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे हीरो की शक्ल में नज़र आ रहे हैं. एक्टिंग इज़ वेरी सॉलिड, द एक्टिंग इज़ गुड. शान की एक्टिंग बहुत ही लीथल लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है. मैंने कभी शान को नहीं देखा, कोई मूवी नहीं देखी, कोई गाना नहीं देखा, कोई ड्रामा नहीं देखा. इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन एंड लुक्स गुड, ही लुक्स अमेजिंग. बहुत अच्छी एक्टिंग करी है इन कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा. ओवरऑल इट्स गुड, लाइक इट, ही सीम्स लाइक अ हीरो. एक हीरो में कई दफ़ा लोग हीरो लग नहीं रहे होते, बट शान इज़ डूइंग ग्रेट जॉब. अच्छा, ये जो अमेरिकन एक्टर्स हायर किए हैं इन लोगों ने, मुझे ऐसे लग रहा है मैं इनको जानती हूँ, मैंने इनको कहीं पे देखा है, न्यूज़ कास्टर को मैंने देखा है. और अगर ये रीनोन फेसेस हैं अमेरिका से तो ग्रेट जॉब. कितना बड़ा बजट है मूवी का, अमेजिंग. पता नहीं कब, कहाँ और कैसे. I guess that's what love is. भाई लव स्टोरी आ गई है, प्यार व्यार डाल दिए अंदर. I don't know why we have to do this. वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो साथ साथ चलता रहता है. आप कितने भी बड़े क्रिमिनल हो, यू नीड लव. या आई डोंट नो, अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर, बट ओके. महावीर सिंह राजपूत, डेडलाइन है. आज अब शोर होगा. Men die, sir. Wars don't die. शहजाद रॉय की आवाज़ मेरे कानों में आई है, बहुत अच्छा म्यूज़िक लग रहा है, बैकग्राउंड स्कोर इज़ अमेजिंग. और इसमें बहुत सारे जो विलेंस हैं या जो भी एक्टर्स कास्ट हैं जो पाकिस्तान के ओल्ड फेसेस, आई कैन सी देम. बहुत टाइम से मैंने उनको नहीं देखा, बट आई कैन रिकग्नाइज देम कि ये है और ये है. अच्छा, वो बाबा है, वो है. लुक्स गुड, लुक्स वेरी होमली, घर घर की फीलिंग आ रही है. बहुत बंगला और इंडियन कॉन्टेंट देखती हूँ ना मैं, तो पाकिस्तानी कॉन्टेंट देख के अच्छा लग रहा है. इट लुक्स वेरी गुड, द मूवी लुक्स बॉम्ब, इट लुक्स लीथल, बहुत सॉलिड लग रही है. बहुत कैमरा वर्क इज़ अमेजिंग, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कार्स, अ लॉट ऑफ वायलेंस, अ लॉट ऑफ एक्शन. एक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, प्यार को कम दिखाना पड़ेगा, और वो सब उनकी जॉब है. आई हैव नो आइडिया किस तरह की निकल के आएगी मूवी, बट ट्रेलर लुक्स गुड. सो व्हाट यू विल डू नाउ? फाइंड पीस सर. Find peace. ग्रेट एक्शन, बहुत अच्छा लग रहा है देख के. बहुत अच्छे से विलेन स्मार्टली कास्ट किया हुआ है, विलेन की एक्टिंग बहुत अच्छी है. फिर उसके बाद वो जो कह रहे हैं ना, आई विल फाइंड पीस, बहुत ही अच्छा सीन लग रहा है वो. मुझे लग रहा है डायलॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं, तीन चार हमने सुने भी हैं पीस के बारे में, वॉर के बारे में. दे लुक गुड, दे साउंड गुड, डायलॉग्स आर गुड, बैकग्राउंड स्कोर इज़ गुड. मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली ट्रेलर के लास्ट 30 seconds और 1 minute में बहुत एक्शन है, बहुत ही कार्स क्रैश हो रही हैं, फाइटिंग है. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द वर्क, आई होप सो. ऑब्वियसली 2020 में ये ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, अभी तक मूवी रिलीज़ नहीं हुई, और मोस्ट प्रॉबेबली इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इसमें काम रहता होगा. सेकेंडली इट्स अ बिग मूवी और आप इसको फ्लॉप नहीं करा सकते, और आप चाहते हो कि सब लोग जाके थिएटर में इसको देखें. तो कोविड वगैरह चल रहा था और इस मामलों में वो मूवी बेचारी पीछे चली गई, बट डेफिनेटली जब ये रिलीज़ होगी इसको देखने जाऊंगी. आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह की मूवी बन रही है. इट्स बिग बजट, इट्स कमर्शियल, इट्स ह्यूज ह्यूज. और मुझे, मैं नाउ आई एम
प्रिटी कन्विंस्ड कि ये अच्छे कॉज पे होने वाली है, ये इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा टाइप की मूवी नहीं होने वाली, अच्छे कॉज पे होगी, पाकिस्तानी टेररिस्ट पे होगी। और या आई एम एक्साइटेड, आई एम थ्रिल्ड, मुझे ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आया। और थैंक गॉड मैंने देखा, इसको व्यू नहीं मिलने वाले इस वीडियो को, बट ओके इट्स फाइन, दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। तुम बताओ तुमको ट्रेलर कैसा लगा, और स्प्रेड पीस एंड लव, अच्छे मूवीज़ देखो, अच्छी सजेशंस दो, और सब्सक्राइब एंड यू हैव टू फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट, डैम इट मैमूना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस ऑन स्क्रीन। और या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, आई सी यू गाइज़ द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल, बाई।